अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सी एस नॉलेज। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ कंट्रोल पैनल की क्लास नंबर 3। और आज हम देखेंगे डेट एंड टाइम की सेटिंग। तो आइए शुरू करते हैं। मैं फिर वही कंट्रोल पैनल में जा रहा हूँ और ये कैटेगरी अगर आपकी इस तरह आ रही है, ये कैटेगरी आ रही है, तो आप यहाँ व्यू बाय में से जाके उसको लार्ज आइकन कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ आपके आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम की सेटिंग यहाँ से आप देख लें। सबसे पहले डेट एंड टाइम है, यहाँ से आपको मिलेगा चेंज डेट एंड टाइम। ये तो वही सिंपल सेटिंग है, यहाँ से आपने आगे पीछे करके अपना मंथ देखा, डेट देखी और डेट एंड टाइम जो है आपने चेंज कर लिया। लेकिन डेट एंड टाइम तो आपने चेंज कर लिया, यहाँ पे आपको नीचे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, चेंज कैलेंडर सेटिंग। यहाँ से आप इसमें गए, ये देखें, यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज में आपका टाइम जो है नज़र आना चाहिए। अगर मैं उसको किसी और लैंग्वेज में कर दूँ, लाइक फ्रेंच मैं इसको कर दूँ, तो आपके मंथ देखें, अप्रैल आपका अप्रैल लिखा हुआ आ रहा है और ये टाइम भी आपका कंप्रेस हो गया है। तो ये आपकी लैंग्वेज है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आपका जो है टाइम जो है वो दिखेगा। इसको मैं वापसी यूनाइटेड स्टेट कर रहा हूँ इंग्लिश। ये तो ये नीचे आपके दिया हुआ है शॉर्ट डेट, उसके नीचे दी हुई है लॉन्ग डेट। ये शॉर्ट डेट अगर मैं आपको शॉर्ट डेट अगर आपने करनी है, ये दिया हुआ मंथ, ये डेज हैं, उसके बाद ईयर के ये कह रहा है आपसे कि 4 डिजिट पूरे ईयर के आने हैं, यानी कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 2020। अगर आप चाह रहे हैं कि 2020 ना लिखा हुआ आया, खाली 20 लिखा हुआ आया, तो आप इसको नीचे वाले को सेलेक्ट करें, यहाँ से अप्लाई करें, तो आपके जो नीचे यहाँ पर टाइम है यहाँ पे आपको 20 ही लिखा हुआ नज़र आएगा नीचे। यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ तो पूरा कैलेंडर का ये वो लिखा हुआ आ रहा है 2020। लेकिन यहाँ नीचे जो आपका टाइम आपको दिख रहा होता है कॉर्नर पे, यहाँ पे आपके सिर्फ 20 लिखा हुआ आएगा। मैं इसको वापसी 2020 ही कर रहा हूँ, अप्लाई कर दें, ये देखें वापस 2020 लिखा हुआ आ गया। नीचे वही चीज़ है, डेज मंथ। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं, अभी आपके जो डेज़ हैं मंथ हैं और डे ईयर, यहाँ पे आप देख लें किस तरीके से आ रहा है आपका, ये जो आपकी जो वो आ रही है डेट आ रही है, वो आपका डेज का नेम आ रहा है, डे का नेम आ रहा है, फिर मंथ का नेम आ रहा है, फिर डे का नंबर आ रहा है कि कौन सा जो है नंबर है, कौन सा सैटरडे है अप्रैल का, उसके बाद आपकी 2020 आपका एयर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे वाला करके अप्लाई कर दूँ, तो अब मंथ डे और एयर आएगा खाली। अगर आप आ जाएँ तो सैटरडे गायब हो गया, अप्रैल 11/2020 लिखा हुआ आ गया। लेकिन मुझे डेज का नेम भी चाहिए, तो आपने इसको सबसे टॉप वाले पे कर दिया। ये बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप चाहें सेटिंग करें इसकी, ये आप देख लेंगे। वो नीचे वही, अब ये टाइम की सेटिंग आ गई है, टाइम आपको कितना चाहिए, आवर मिनट और एम पी एम आपको चाहिए, सेकंड्स चाहिए और मिनट्स चाहिए आपको, खाली इस पर क्लिक करेंगे तो खाली आवर और मिनट आ जाएंगे आपके। ये मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं आपकी। नीचे वही डेज नेम है, फर्स्ट डे ऑफ वीक आप कौन सा रखना चाहते हैं, मंडे रखना चाहते हैं या संडे रखना चाहते हैं। संडे जो है रिकमेंडेड जो होता है वो संडे होता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है। ये तो हो गया। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग है, ये सिर्फ आपकी सेटिंग्स को कॉपी करना होता है और यहाँ से लोकेशन आपकी चेंज हो जाती है। तो ये इतना काम की चीज़ नहीं है, इसको करिएगा इसको नहीं करिएगा। और नीचे यहाँ पे आपकी एडिशनल सेटिंग आ रही है, एडिशनल सेटिंग में वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बाहर बताई हैं। यहाँ पे आप ये तो करेंसी से रिलेटेड आपकी कुछ चीज़ें हैं,
जिस भी मुल्क का आपने नाम वो रखा हुआ टाइम जोन, वहाँ की करेंसी और सारी चीज़ें आ रही होती हैं। टाइम जोन कह रहा हूँ, लैंग्वेज रखी हुई है वहाँ की, एक एक हर तरह की करेंसी वगैरह भी यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे नंबर शो हो रहे हैं, यहाँ के करेंसी शो हो रही है उस जगह की, डॉलर करेंसी सिंबल और बहुत सारी चीज़ें उस करेंसी की यहाँ पे शो हो रही होगी। आगे आपके वही टाइम टाइम आपने क्या करना है, नीचे लॉन्ग टाइम है ऊपर शॉर्ट टाइम है, ये वही टाइम के फॉर्मेट्स हैं आपके। ये एएम और पीएम है, ये सिंबल है। यहाँ से अगर आप इसको रीसेट कर देंगे तो ये वापस पहले जैसा हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। यहाँ पे वही डेट की सेटिंग, डेट और डेज की सेटिंग यहाँ पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं कुछ भी। मैं अगर ये वाली डेट सेलेक्ट करके इसको अप्लाई करूँगा तो ये इस तरीके से आ जाएगी, वापसी ऊपर वाली डेट अप्लाई करके सेलेक्ट करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगी। मुझे मंथ में एक डिजिट चाहिए तो 4 लिखा हुआ आएगा, मुझे मंथ में 2 डिजिट चाहिए ये वाला ले लूँगा तो 0 4 लिखा हुआ आएगा। तो ये रीसेट कर देता हूँ मैं, जैसी थी सेटिंग वैसी पहले जैसी थी वैसी कर दी है मैंने। नीचे वही आपके फर्स्ट डे ऑफ वीक वही लिखा हुआ आ रहा है, इसको अब बंद करते हैं। ये तो हो गई इसकी सेटिंग, ये तो आपका डेट एंड टाइम हो गया। दूसरी आपकी आ जाती है एडिशनल क्लॉक। एडिशनल क्लॉक में ये है कि एडिशनल क्लॉक उन लोगों के लिए यूज़ होती है जो बाहर ममालिक में जो काम कर रहे होते हैं, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, लोगो डिज़ाइनर हो गए, वीडियो एडिटर हो गए, जो यहाँ से बैठ के यूनाइटेड स्टेट वगैरह में या बाहर जो है काम कर रहे होते हैं, उनके लिए एडिशनल क्लॉक होती है कि वो ये दोनों एडिशनल क्लॉक ऑन करें और इनका जो है टाइम जोन जो है वो सेलेक्ट कर लें वहाँ का, और ताकि उनको वहाँ का टाइम पता चलता रहे कि इस वक्त वहाँ क्या टाइम हो रहा है। तो उसके लिए ये एडिशनल क्लॉक्स होती हैं। आपने कोई सा भी टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है, या उसे अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर आपकी 2 एडिशनल क्लॉक, एक मेरी यूनाइटेड स्टेट आ रही है और एक क्लॉक नंबर 2 मेरी दूसरी आ रही है। आप जो चाहे नाम दे दें इनका, जिस जगह का आपने टाइम जोन सेलेक्ट किया है वहाँ का आप इसका नाम भी दे दीजिएगा, ताकि ऊपर आपके नाम लिखा हुआ आता रहे, आपको पता चल जाए कि यहाँ पर ये इस जगह का टाइम जोन है। तो इससे आपको वक्त जो है बाहर ममालिक का पता चलता रहता है कि दूसरे मुल्क में, दूसरी कंट्री में इस वक्त क्या टाइम हुआ। एडिशनल क्लॉक इसलिए यूज़ होती हैं। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये छोटी सी चीज़ है एडिशनल क्लॉक, ये तो समझ आई गई होगी। यहाँ पे आगे इंटरनेट टाइम आ रहा है। इंटरनेट टाइम किस लिए होता है, यहाँ पे आप चेंज सेटिंग में अगर जाएं और ये चेक साइन आपका ना लगा हो, जो बार बार सिस्टम का टाइम जो है वो आउट हो जाता है या सिस्टम का टाइम सेट नहीं होता, आप सिस्टम बंद करते हैं दोबारा खोलते हैं तो टाइम आउट हो जाता है, तो उसकी यही वजह होती है कि सिंक्रोनाइज विद एन इंटरनेट टाइम सर्वर पे चेक साइन नहीं लगा हुआ होता। अगर इस पर चेक साइन लगा हुआ हो तो इस पर लगा दिएगा और इसको ओके कर दिएगा कि इसके नीचे एक और टाइम दिया हुआ है, इसको मत सेलेक्ट करिएगा। तो ऊपर वाला ही आपने सेलेक्ट करना है, time.windows.com, और इस पर लगा दिएगा चेक साइन और इसको ओके कर दिएगा, तो आपका टाइम भी जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये क्लास छोटी सी जो है पसंद आई होगी, डेट एंड टाइम की और कंट्रोल पैनल की क्लास नंबर ये 3 थी। अब मैं कोशिश करूँगा कि कंट्रोल पैनल की क्लास नंबर 4 भी जल्दी से लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।